नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। खबरों की शुरुआत फरुखाबाद से करते हैं, जहां बताया जा रहा है कि फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में एक गांव में महिलाओं पर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है। देखिए रिपोर्ट। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव खुदागंज में दबंगों ने मामूली विवाद के चलते घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है। दबंगों ने महिलाओं और बच्चों को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस मारपीट में महिला की बेटियों सहित चार लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CHC कमालगंज में भर्ती कराया गया। तो उत्पीड़ित महिला का कहना है कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। दबंगों के खिलाफ अब तहरीर देने गई थी चौकी पे, क्या हुआ? वहाँ पे बोलते कह दे भाग जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। किसने भगा दिया? दरोगा जी ने। फिर आप कहाँ पे आई? फिर हम कमालगंज आए, वहाँ भी कह दे इसे घर ले जाओ, दवा वाले लिवा दो जाके, कुछ नहीं होने, वहाँ चौकी पे जाओ। तो कमालगंज थाने से भगा दिया गया आपको? हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा भाई। हम गरीब आदमी, मेरे घर खान लो को तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चा पाल ले और 30,000 रुपया इसके दमाद मेरे बुलाई लेगो, मेरे लड़का बो भी कानो पैसा नहीं दे रो, 6 महीना काम करो। तो खुदागंज चौकी इंचार्ज ने आपको भगा दिया? हाँ। क्या कहा? हम तो कहते हैं यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कमालगंज थाने में फिर क्या हुआ? वहाँ से कहते इन्हें घर ले जाओ, दवाई वाई दिवा लो जाके, कुछ नहीं होने वाला, नौटंकी कर रही हो। तो वहीं महोबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 छात्रों की जान चली गई, जबकि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल है। देखिए रिपोर्ट। महोबा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि महोबा जनपद के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में 5 साइकिल सवार छात्रों को अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। घायल छात्रों को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ ले जाया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए महोबा जनपद के 4 थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई। बताया जा रहा है कि छात्र कोचिंग के लिए अपने गांव सुंगरा से कुलपहाड़ कोचिंग स्थान जाते हैं, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने 5 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। आप लोग सुबह 5:30 के बीच में स्कूली लड़के कोचिंग के लिए सुगरा ग्राम के जा रहे थे, कुलपहाड़ कोचिंग के लिए। उसी समय किसी वाहन ने, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, उसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है और 2 अस्पताल में रिफर हैं, बाकी विधि कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों की जान की स्थिति ठीक है? यहाँ तो उस समय भीड़ थी, गाँव के लोग आ गए थे उनके उसमें, और वर्तमान में एकदम शांत व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर तकरीबन कितने बजे की घटना है? सर 5:30-6 के बीच की है। सर वाहन का कुछ पता चला? अभी पता नहीं चला है, वाहन का पता नहीं चला है, वाहन के बारे में पता चल गया अभी। ये जो लड़का साथ में था उसको बुलवा रहे हैं, उससे पता करते हैं कि किस तरह का वाहन था, किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ। अभी यही नहीं पता है कि किस वाहन से। सर एक्चुअल कितनी कैजुअल्टी? 2 की मृत्यु और अभी 2 घायल बता दें। तो वहीं मुरादाबाद में 24 घंटे में 2 हत्याओं से हड़कंप मचा है, अब पुलिस तहकीकात में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में 24 घंटे में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया। कटघर थाना क्षेत्र के सूरजनगर मोहल्ले में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अधिवक्ता के परिवार की तरफ से नामजद तहरीर दी गई है। बता दें कि सूरजनगर निवासी अधिवक्ता रवि कुमार यादव मुरादाबाद कचहरी में प्रैक्टिस करते थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने अधिवक्ता रवि कुमार को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने बताया कि रवि कुमार यादव के परिवार की ओर से उसके दोस्त रॉकी निवासी कल्याणपुर के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। नाम आपका? यादव। हाँ यादव जी, जो खत्म हुए हैं कौन है आपके भाई? है मेरा। क्या हुआ था? गोली मारी गई। कहाँ का मामला है? तो घर से क्या लेने के लिए निकले थे? दूध लेने के लिए। अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहा था। तो कुछ पता चल पाया कि इस बात को लेके? सर अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, वैसे नाम तहरीर दे रखी है, अब जो भी पुलिस बोलती है उतना पता पड़ेगा। अच्छा, कितना नाम दर्ज तहरीर दी है क्या? नहीं अभी तो ऐसे ही दी है, शक के दायरे में दी।
कुछ ही कोई पुरानी कोई रंजिश ऐसे तो कोई रंजिश है नहीं रहा। गोली कहाँ लगी थी? सर में लगी। अच्छा तो अस्पताल लेके गए थे? हाँ। तो वहाँ से मृत्यु घोषित कर। तो वही मुरादाबाद में ही आसरा योजना के द्वारा बनाए गए घरों की दुर्दशा से आम जनता परेशान है, देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद के कुंदनपुर ढाका क्षेत्र में आसरा योजना के तहत बनाए गए आवासों की भारी दुर्दशा देखने को मिल रही है। आवंटित लोगों ने जिला मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया है। इस मामले में प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को बताया गया कि मुरादाबाद के ढाका कदनपुर में उक्त योजना के तहत डोडा द्वारा मकान आवंटित किए गए हैं। कुछ निर्माणाधीन है, लेकिन जो मकान गरीबों को दिए गए हैं उनमें से किसी भी मकान में खिड़की दरवाजे चौखट नहीं है। वहां सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से आसरा योजना के आवंटित लोगों ने यह मांग की है कि उनकी इस मांग पर प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाए और उचित कार्यवाही की जाए। मिले हैं सन 2016 में, अभी तक उन आवासों में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसमें कि न पानी है न लाइट है। मतलब रोड भी इस तरीके से पड़ा है कि हम लोगों को आने जाने की दिक्कत है, और नशे वालों ने हमें इतना परेशान कर रखा है कि हमारे बच्चे बाहर नहीं घूम सकते, बेटियां हमारी 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। खिड़की दरवाजे सारे चोरों ने निकाल के बेच दिए हैं, और हम चाहते हैं कि वहाँ पुलिस की हमें सहायता मिले। दूसरी चीज़ यह है कि जो वहाँ पे मतलब खंडर मकान पड़े हुए हैं और सरकार ने आवंटन कर दिए हैं, उसमें पूरी मतलब तैयारी करके उन लोगों के लिए दिए जाएँ। तो वहीं फरुखाबाद में किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, देखिए रिपोर्ट। बाद में कांग्रेसियों ने किसान बिल को वापस लेने के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विजय कटियार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित भाजपा कार्यालय पर ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय पर सांसद व विधायकों की उपस्थिति को देखते हुए ये प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सरकार पर किसान बिल वापस लेने की मांग की है। सुशील चाक जी जो विधायक हैं उनके निवास पे जाएंगे, प्रदर्शन हमारा पूरा होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में इसी तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। बहुत बड़ी विडंबना ये है कि लाखों संख्या में किसान दिल्ली पे मर रहा है, वहां जूझ रहा है, अपने हकों के लिए लड़ रहा है। आखिर केंद्र की सरकार, आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात की अनदेखी क्यों कर रही है? आज मुझे दर्द है, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है जो किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए जो सपने देखे थे, आज बीजेपी उनको चकनाचूर कर रही है। कहीं ना कहीं आज ये संकल्प हम कांग्रेस जन चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे लेते हैं कि किसानों के हक में हम लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे कितना बड़ा उत्पीड़न हमारा क्यों ना हो। कल शाम से पुलिस प्रशासन हमारे घर पे है, पुलिस इतनी संख्या में लगी हुई है। मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है। कभी इतिहास में कभी भी किसी की सरकार रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार न दिया गया हो। बात तो हर आदमी रखता, हम तो बात अपनी अहिंसा पूर्वक कर रहे हैं। कोई अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।